আধার কার্ড বাতিল, টেকনিক্যাল ফল্ট, জানালেন শান্তনু ঠাকুর। এদিন দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। मैं पहले ही क्षमा मांगना चाहता हूं कि एक टेक्निकल फॉल्ट के लिए अभी आधार कार्ड जो डीएक्टिवेशन हो रहा है ये एक टेक्निकल फॉल्ट था। तो आज माननीय गृहमंत्री जी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुकांत दा भी हमारे साथ थे। तो आज माननीय एचएम ने होम मिनिस्टर हमारे पूरा इस विषय को बोल दिए हैं कि डीएक्टिवेशन जो प्रोसेस चल रहा था ये बंद हो चुका है और जिन जिन लोगों का कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है उन लोगों को विद इन फ्यू डेज के अंदर कार्ड एक्टिवेशन के लिए एक एप्लीकेशन करने के लिए हमको दायित्व लेने के लिए बोला गया है। इसलिए आज मीडिया कर रहा हूं मैं आप लोगों को बुला के। इसमें ऑनलाइन सुविधा होगा, ऑनलाइन जो हमारा ईमेल आईडी है वो भी हम बता देंगे और साथ साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे जहां पर वो लोग एप्लीकेशन करके हमको डायरेक्टली भेज पाएंगे। और साथ साथ मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दूंगा कि वो लोगों को सिर्फ नाम, एड्रेस और फोन नंबर उनका भरना है और एप्लीकेशन में वही लिखा होगा कि आधार कार्ड मेरा डीएक्टिवेट हो गया है, उसको कृपा करके एक्टिव कराना है। ये मैसेज जब हमको मिल जाएगा हम जितने सारे डीएक्टिवेशन कार्ड है उसको हम जमा करके माननीय गृह मंत्री जी के दफ्तर में हम उसको जमा कर देंगे। ये इंस्ट्रक्शन हमको दिया गया है, ये दायित्व हमको दिया गया है। मैं और एक बार दोहरा रहा हूं, मैं क्षमा मांग चुका हूं कि एक टेक्निकल फॉल्ट था और जिन जिन का कार्ड डीएक्टिवेट अर्थात कैंसिल हो गया है, जो लोगों का ये आधार कार्ड डीएक्टिवेशन के कारण बैंक अकाउंट भी बंद हो गया है वो लोग एकदम दुश्चिंता ना करें। हमको माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा दायित्व दिया गया है कि जो लोगों का आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है, कैंसिल हो गया है, वो पुनर्वार इसको एक्टिव हो जाएगा विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर। इसको लेके आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो भी हमने देखे हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आधार कार्ड का जो प्रोसेस और इसका जो इश्यू करवाना होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। इसलिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी आज उपस्थित थे हमारे साथ, तो मैं बोलना चाहता हूं सरासर झूठ बोले हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने बोला कि अगर बैंक विदाउट आधार कार्ड काम नहीं करना चाहता है, बैंक अकाउंट को एक्टिव नहीं रखना चाहते हैं तो आप हमारे कोऑपरेटिव बैंक में आ जाइए। इसका मतलब क्या होता है? केवाईसी कौन देगा? ये मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, आप लोगों के अंदर जो भ्रांति फैला रहे हैं ये सही नहीं है। आप इनको प्रोवोक कर रहे हैं, प्रलोभन दिखा रहे हैं कि आप कोऑपरेटिव बैंक में आइए। तो इसका जो पैसा जमा हुआ है, जो जितने सारे बैंक है, तो पैसे का क्या होगा? विदाउट आधार कार्ड वो कैसे पैसे उसको उठा पाएगा, क्योंकि वो बैंक अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो चुका है। तो ऐसा प्रलोभन और ऐसा मतलब क्या कहते हैं उसको, गलत बात बोलना लोगों के सामने ये सही नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि आधार कार्ड के द्वारा अगर किसी का समस्या हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट इसका इनिशिएटिव लेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू है? आप अपना चीफ सेक्रेटरी से इसका समाधान करना चाहते हैं, लोगों को समाधान कराना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का ये इश्यू है?
ये इशू डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये दफ्तर आपके पास नहीं है, आप लोगों को विभ्रांत कर रहे हैं आपके वक्तव्य के माध्यम से। तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, पॉलिटिकल एक प्रोपोगंडा तैयार करना चाह रहे हैं जिसके द्वारा ये जितने सारे लोगों का कार्ड डीएक्टिव हो जाए ये उनके पक्ष में जाए। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इन लोगों को जिनका कार्ड एक्टिवेट हुआ है, आप हमको ईमेल के द्वारा जो ईमेल है www.dharshakurbari@gmail.com ये हमारा ये हमारा ईमेल आईडी है। और आप जो व्हाट्सएप नंबर में भी भेज सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है 9647534453। तो आप जहां भी रहिएगा इस ईमेल पर और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑनलाइन में दे देंगे। हम लोग इसको भी हम प्रचार करके दे देंगे कि कौन सा एप्लीकेशन में आपको फॉर्म भरना है, तो मेरे पास आ जाएगा विद इन फ्यू डेज। हमने इसको गृह मंत्री जी के द्वारा, उनके दफ्तर के द्वारा इसका समाधान कर देंगे। आपका बैंक अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा और आपका आधार कार्ड जो डीएक्टिवेट हो चुका था ये भी एक्टिव हो जाएगा। ये मैं आज आप लोगों को यहाँ समक्ष मैं बोल रहा हूँ और ये माननीय गृह मंत्री के द्वारा ये हमको बोला गया था, तो इसलिए मैंने आज इस बाइट को दिया मौके। न्यू पीसी ज्वेलर्स सम्पर्क गड़े दे बनगाते आमादे तीनटी शोरूम प्रतिदिन ही खोला। न्यू पीसी ज्वेलर्स बनगा बाटार मोड़, न्यू पीसी ज्वेलर्स ब्रांच कुमुदिनी स्कूलेर विपरीते, न्यू पीसी ज्वेलर्स ब्यूटी मोतीगंज हाटखोला।